और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। वो केंद्र सरकार जो भी केंद्र सरकार हो, तब के समय की केंद्र सरकार की नीतियों का कारण होती है। इस बात कि इसमें दो राय नहीं है कि आंकड़े जो भी कहे, पर अगर आप देखें पिछले, खास तौर से पिछले 14-15 महीनों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और खास तौर से खाद्य पदार्थों से लेकर संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़े हैं, मैं समझता हूं बहुत चिंताजनक है। उसको कैसे काबू में लाया जाए, एक तरीका जो मैंने कहा कुकिंग गैस प्राइस, दूसरा है जो सप्लाई है, जो उत्पादन है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पर हमारे देश भर में मैं समझता हूँ कि ये समस्या है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून है, जो हथियार सरकारों के पास होती है उसको कमज़ोर नहीं करें। इसका मिसाल मैं दूंगा, 2020 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो तीन काले कानून लाए थे मोदी सरकार ने, पार्लियामेंट ने वापस ले लिया। तीन कानूनों में से एक कानून ये था कि जो राज्य सरकारों पर की जो अधिकार है, जो आवश्यक वस्तु है उस पर, उनके महंगाई पर रोक लगाने के लिए वो अधिकारें वो छीने जा रहे थे। तो ये समस्या है और केंद्र सरकार ये समझती है कि आंकड़े के अनुसार महंगाई घट रही है, ऐसा नहीं है। महंगाई जो आवश्यक वस्तु है उसकी महंगाई ज़रूर बढ़ रही है और मैंने आपको 3-4 ऐसे मिसाल दिए, खास तौर से गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का दाम मनमोहन सिंह जी के सरकार में 450 रुपया हुआ करता था सिलेंडर, आज हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जो 1100-1200 रुपया प्रति सिलेंडर है। जी सर, जी आपसे सवाल है, गैस सिलेंडर से जुड़ा एक सवाल है, सब्सिडी तो आप देंगे लेकिन अगर केंद्र की सरकार बन जाती है तब आएंगे, तब बात करेंगे। अभी तक राज्य चुनाव हो रहे हैं, मैंने जो बात की है राज्य चुनाव से संबंधित, जब हम केंद्र सरकार में आएंगे, जब चुनाव अभियान होगा तब हम केंद्र सरकार क्या करेगी उसका मैं आपको जानकारी दूंगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की बजट से हर एक गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपया सब्सिडी सीधे महिला के खाते में जाएगा, छत्तीसगढ़ के बजट से, केंद्र सरकार के बजट से नहीं। मेरा ये सवाल है कि अभी आपने कहा रेल यातायात को लेकर आम परेशानी है, दूसरा कोयला परिवहन को लेकर किसी विशेष व्यापारी को फायदा किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले जो कोयला परिवहन हो रहा है उसको ज्यादा सुविधा दी जा रही है, या सिलेंडर को बंद किया जा रहा है, तो 2000-2004 साल पहले की बात करें या 2014 से पहले की बात करें, तो कोयला परिवहन तो पहले जो होता था, मतलब प्लांट को बिजली की व्यवस्था पहले जो होती थी तब कोयला परिवहन कैसे होता था, और आज रेलों को रोककर, यात्री ट्रेनों को रोककर कोयला परिवहन क्यों किया जा रहा है? ये बात सही है, कोयला पिछले 5 साल से नहीं उत्पादन हो रहा है, कई सालों से उत्पादन हो रहा है, और हमारे रेलवे जोन में बिलासपुर स्थित साउथ सेंट्रल रेलवे एक बहुत प्रॉफिटेबल रेल जोन है। तो जो मैं कह रहा हूँ कोयले का ट्रैफिक कोई नई बात नहीं है, पर इससे पैसेंजर ट्रेनों पर जो असर हो रहा है इस मात्रा में, ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोयले का उत्पादन का भी निजीकरण हो रहा है। समझिए, ये फायदा किसको मिल रहा है, ये फायदा निजी कंपनी को मिल रहा है। अगर ये फायदा कोई सरकारी कंपनी को मिल रहा था तो
मैं समझता हूँ ये स्थिति नहीं उत्पन्न होता, पर आज क्योंकि कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से एक कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है और सब लोग जानते हैं कि वो कंपनी इस सरकार को चलाती है, उसके वजह से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि वो कंपनी का नाम क्या है, और उसको फ़ायदा मिल रहा है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेनों पर उसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। ये बात सही है आपने कहा, 10 साल पहले भी ट्रैफिक था, कोल ट्रैफिक था, पैसेंजर ट्रैफिक था, पर कोल ट्रैफिक चलता था, पैसेंजर ट्रैफिक भी चलता था, पर आज क्यों ये स्थिति है कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को घटा रहे हैं, रोक रहे हैं, उसमें देरी कर रहे हैं और कोयले के ट्रैफिक को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मेरा सीधा ये सवाल है इस केंद्र सरकार से कि ये आप कर रहे हैं ताकि ये निजी कंपनी को फायदा पहुंचे। जी धन्यवाद, हो गया जी, धन्यवाद, बातचीत करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।